हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इलायची कुल्फी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में और बहुत ही आसान तरीके से। मेरे बताए तरीके से आप एक बार कुल्फी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और यकीन मानिए यह कुल्फी आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने से दूध हमारा कढ़ाई में नीचे नहीं जलेगा। अब हम इसमें डालेंगे 5 कप दूध। मैंने नॉर्मल घर में काम में आने वाला कप यूज़ में लिया है, आप और किसी कप से भी मेज़र कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उसी कप से आपको हमारे आगे डालने वाले इंग्रेडिएंट्स भी मेज़र करने हैं। अब हमें दूध को बॉईल करवा लेना है। दूध के बॉईल हो जाने पर हम एक कटोरी में गरम दूध निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और अब हम दूध और कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे। और अब हम दूध में डालेंगे 8 से 10 केसर। और 6 से 7 इलायची जिसे हमने दरदरा कर लिया है। और अब हमें दूध को तब तक बॉईल करना है जब तक कि हमारा दूध 1/4 ना रह जाए। हमारा दूध 1/4 हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा दूध कुछ इस तरीके से थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक हमें नहीं करना है। अब हम कॉर्नफ्लोर को इसमें डाल देंगे, लेकिन कॉर्नफ्लोर को डालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉर्नफ्लोर को एक बार हिला लेना है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर दूध में नीचे ही रह जाएगा। कॉर्नफ्लोर को डालते ही हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और लगभग 15 से 20 सेकंड हमें कुल्फी के बैटर को हिलाते रहना है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। जिस कप से हमने दूध मेज़र किया था उसी कप से हमें चीनी को भी मेज़र कर लेना है। हमने 1 कप चीनी ली है। अगर आप चीनी थोड़ा कम पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी कम कर सकते हैं, पर ज़्यादा चीनी कम ना करें तो ही बेहतर है। और अब हमें थोड़ी देर बैटर को हिलाना है जिससे कि हमारी चीनी गर्म कढ़ाई में ही मेल्ट हो जाएगी। कुल्फी के बैटर को हमें ठंडा कर लेना है और ठंडा कर लेने के बाद में हम इसे मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। कुल्फी के बैटर को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे मलाई। हमें 1 1/4 कप मलाई लेनी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी मलाई ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हमारी मलाई 4 से 5 दिन पुरानी हो, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो। हमने 1 कप मलाई ले ली है, अब हम इसमें 1/4 कप मलाई और लेंगे। मलाई को कुल्फी के बैटर में डाल लेने के बाद में हमें इसे 5 टाइम्स ऑन ऑफ करना है, कंटिन्यू ग्राइंडर को नहीं चलाना है। 1 2 3 4 5, बस हमें इसी तरीके से इसे ऑन ऑफ कर लेना है।
और हमारा कुल्फी का बैटर हो चुका है तैयार। अब हम इसे जमने के लिए रख देंगे। अब हम कुल्फी को फ्रीज़र में रखेंगे और 8 से 10 घंटे में ये अच्छे से जमकर हो जाएगी तैयार। हमारे 8 घंटे हो चुके हैं, कुल्फी अच्छे से जम चुकी है। इस मेथड से एक बार आप कुल्फी को बनाकर ट्राई कीजिए, आप यकीन मानिए कुल्फी सभी को बहुत पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे मेरी नेक्स्ट रेसिपी आप तक पहुंच सके। हमारी कुल्फी के ऊपर हम डालेंगे थोड़े से पिस्ता और हमारी इलायची केसर कुल्फी बनकर हो चुकी है तैयार। थैंक यू।